Yes, Charlie. एंड आई विश यू वेरी हैप्पी होली टू ऑल। तो आज के ब्लॉग में मैं करने वाली हूँ अपने घर की सफाई, बिकॉज आज मेरा नंबर है। वैसे तो हर एक मेंबर की अलग अलग दिन ड्यूटी है क्लीन करने की हाउस, बट आज मेरी ड्यूटी है। पर एक और रीज़न है आज सफाई करने का कि आज हमारे घर ने आना है NHS की टीम ने, डॉक्टर्स ने आना है यहाँ पर। बिकॉज मैंने आपको सेकंड ब्लॉग में बताया था कि हमारे घर एक बेबी गर्ल हुई है, तो यहाँ पर डॉक्टर्स चेक करने आते हैं कि घर कैसा है, क्लीन है या नहीं, और बच्चे की केयर कैसी हो रही है। तो आज मुझे क्लीन करना होगा घर। तो पहले मैं नीचे से क्लीन करती हूँ, जहाँ पर वुडन फ्लोरिंग है, तो मैं आपको दिखाऊँगी कि वहाँ किस चीज़ से सफाई होती है, और देन मैं अपना रूम क्लीन करूँगी। तो वो मैं करूँगी अपने हूवर से, वैक्यूम क्लीनर से। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे सफाई करती हूँ। सो लेट्स गो गंगू बाई। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा सफाई का यंत्र, मतलब ये ब्रश है जो इंडिया में जिसको झाड़ू बोलते हैं। तो हम लगाएंगे ये झाड़ू। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं किचन की तरफ। किचन में लगाते हैं ब्रश। किचन वेस्ट का, जिसमें हम जो किचन का वेस्ट है वेजिटेबल्स का वो डाल सकते हैं, और ये है बॉटल्स का, जैसे कि मिल्क की बॉटल्स हैं या कुछ और जो बॉटल्स टाइप बना होता है जो रिसाइकिल हो सकता है, वो हम इसमें डालते हैं, और जो किचन वेस्ट है वो हम इसमें डालते हैं। सो लेट्स गो फ्रेंड्स, अब हम कर लेते हैं अपने रूम की सफाई। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे रूम में होता है वो सारे में कारपेट होता है, तो हम इसको करेंगे वैक्यूम से क्लीन। ये है वैक्यूम क्लीनर, तो हम इससे करते हैं सफाई। तो आप देख सकते हैं ये हमें होल्ड के लिए मिला हुआ है, ताकि हम इसको होल्ड कर सकें, और जो सारा कूड़ा है या डस्ट है वो सारी इसके अंदर इकट्ठी हो जाती है। तो ये हमें दिया हुआ है प्लग, तो अगर हम इसकी वायर निकालेंगे तो उसके बाद हमें इसको वायर को इकट्ठे करने के लिए हम इस प्लग को क्लिक कर सकते हैं। अगर हम ये वाला प्लग इसको क्लिक करते हैं तो ये सारी वायर यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, तो हमें एक एक करके जरूरत नहीं है करने। फ्रेंड्स, मैं तो बहुत थक गई हूँ, बिकॉज घर पे तो कभी काम किया नहीं और यहाँ पर क्या क्या करना पड़ता है, तो इट्स ओके, इतना तो बनता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं हो जाती हूँ रेडी, बिकॉज फिर आना है NHS की टीम ने, डॉक्टर्स ने आना है घर के चेकिंग के लिए। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि डॉक्टर्स चेकिंग कैसे करते हैं घर की, अगर मैं वीडियो शूट कर पाई, अगर नहीं कर पाई तो मैं व्लॉग का एंड कर दूंगी यहाँ पर ही। सो मिलते हैं।
हेलो गाइस, सॉरी मैं शूट नहीं कर पाई वीडियो बिकॉज बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स थे, एम्बुलेंस थी, तो ऐसे अलाउड नहीं होता कि मैं किसी की वीडियो शूट कर सकूं. सो मैं व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ. तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट कर कर बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा और कुछ थोड़ा फनी टाइप था. तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग के साथ. सो बाय, टेक केयर.